हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की दोस्तों मैं बात करने वाला दोस्तों कैसे दोस्तों हम अपने रेडमी के फ़ोन में तो हम फिंगरप्रिंट लॉक डाटा को डिलीट करेंगे। दोस्तों अपने फ़ोन में आप फिंगरप्रिंट को यूज़ कर रहे हो और आप उसको यूज़ नहीं करना चाहते, आप उसको आप डिलीट करना चाहते हो, आप कैसे डिलीट करोगे सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। दोस्तों आप देख सकते हो मेरे पास फिंगरप्रिंट लॉक है और यहाँ पैटर्न लॉक भी है। तो यहाँ से पहले मैं दोस्तों मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ अपने फ़ोन को। और फिर दोस्तों यहाँ पर आ सकते हो फोन की सेटिंग, आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर आ सकते हो इस तरीके का इंटरफेस अपने रेडमी के फ़ोन में। आपको रेडमी के फ़ोन में दोस्तों पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। पासवर्ड पे क्लिक करना, यहाँ पर आ सकते हो फेस लॉक है, स्क्रीन लॉक है और फिंगरप्रिंट लॉक। दोस्तों यहाँ पर अपने आप स्क्रीन लॉक को हटाना चाहते हो या दोस्तों अपने स्क्रीन लॉक को हटाते हो दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका फिंगरप्रिंट लॉक है दोस्तों या फेस लॉक है वो डिलीट हो जाता है। तो हम इसको नहीं हटाएंगे दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको चेंज करना बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप चेंज करना चाहते हो अपने फिंगरप्रिंट इसको लॉक को स्क्रीन लॉक को दोस्तों अपने फिंगरप्रिंट लगा रखा है तो आप चेंज कर सकते हो। फिंगरप्रिंट आपके फ़ोन में रहेगा ही और यहाँ पे स्क्रीन लॉक भी चेंज हो जाएगा। दोस्तों यहाँ देख सकते हो हमारे जो लॉक स्क्रीन दोस्तों पहले पैटर्न शो होता है दोस्तों पैटर्न शो नहीं होएगा। दोस्तों यहाँ पर पिन शो होएगा और हम अपने फिंगरप्रिंट को और पिन को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हो अपने लॉक स्क्रीन पासवर्ड को। दोस्तों आपको दोबारा से पासवर्ड पर क्लिक करना है और आपको फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप पासवर्ड को इंटर करोगे, जो भी दोस्तों आपका पैटर्न है आप पैटर्न को ड्रॉ करोगे, नेक्स्ट कर देना। फिर दोस्तों यहाँ पर आपने जितने फिंगरप्रिंट अपने अपने फ़ोन में लगा रखे हैं यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं। और दोस्तों अगर आप किसी और को ऐड करना चाहते हो फिंगरप्रिंट को, जैसे दोस्तों आपने थ्री फिंगर ऐड कर रखे हैं, आप फोर को भी ऐड करना चाहते हो, फाइव को भी आप ऐड कर सकते हो। आपको पासवर्ड को इंटर करना है, नेक्स्ट करना है और यहाँ पर आप फिंगरप्रिंट को ऐड कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, मेरे पहले से दोस्तों मेरे पास थ्री फिंगरप्रिंट लॉक है। दोस्तों यहाँ से मैं इनको डिलीट करूँगा वन बाय वन करके। तो दोस्तों तो जो भी फिंगर दोस्तों आप डिलीट करना चाहते हो फिंगरप्रिंट लॉक 1 2 3 आप उस पर क्लिक करके यहाँ पे रिमूव पे क्लिक कर देना, वो फिंगरप्रिंट लॉक आपके फ़ोन से हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप इसको रिन्यू करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे इसको रिन्यू करके भी रख सकते हो। इसको इसको कट कर दो, अपना नाम वगैरह तो आप कुछ भी लिख सकते हो और ऐसे रिन्यू कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं देख सकता हूँ दोस्तों यहाँ पर आपको यूज़ फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन दिखेगा। लॉक स्क्रीन से आकर आप ऑफ करना चाहते हो या प्राइवेसी पासवर्ड से ऐप लॉक पे से यहाँ पे आकर दोस्तों आप इनको ऑफ भी कर सकते हो और यहीं से दोस्तों आप इनको ऑन भी कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैं ऑल ऑफ करके यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मतलब डिलीट करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं दोस्तों, मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता इन सेटिंग को। अगर मैं यूज़ करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे पहले मेरे को फिंगरप्रिंट को दोबारा से सेट करना पड़ेगा अपने रेडमी के फ़ोन में, पासवर्ड को एंटर करना, तब मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ सेटिंग्स को। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपने फोन का फिंगरप्रिंट लॉक दोस्तों आप डिलीट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय दोस्तों।